जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। साइबर थ्रेट से निपटने के लिए भारत के नए साइबर कमांडोस, मेड इन इंडिया वेपन्स के साथ कंडक्ट की गई एक्सरसाइज तोपची, अंडमान आइलैंड्स पर इंडियन आर्मी की खाता कमांडोस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन, श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स, और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रशिया ने बताया भारत के खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉर। ट्रिब्यून की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस फोर्सेस में स्पेशल कमांडोज की एक नई विंग को क्रिएट करने की योजनाओं पर काम कर रही है, जिन्हें भारत के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उभरते हुए साइबर खतरों से बचाने के लिए देश भर के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये नई विंग होगी ये भारत के स्पेशल साइबर कमांडोज की होगी। और अभी जो एम्स में हैकिंग वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसी को ध्यान में रखते हुए ही साइबर कमांडोज की इस नई विंग को क्रिएट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। और योजना के अनुसार जो ये स्पेशल साइबर कमांडोज होंगे तो ये साइबर पुलिस स्टेशंस और उनके यूनिट्स में काम करने वाले पर्सनल से अलग होंगे, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी तरह के साइबर थ्रेट या साइबर क्राइम के समय तुरंत ही जांच शुरू करना और जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी अपराधियों को पकड़ना। और जबकि डेटा के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2022 में भारत के जो सरकारी संस्थान है तो उन्होंने करीब 82 यानी कि 82 टाइम्स साइबर हमलों का सामना किया है, जो कि 2021 की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। अंडमान सी पर स्थित बैरन आइलैंड में अलर्ट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने एक सस्पिशियस बोट को इंटरसेप्ट किया था, और फिर जिसके बाद एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया। और इस सर्च ऑपरेशन में इंडियन आर्मी की घातक कमांडोज की टीम शामिल हुई थी, जिनमें एक ऑफिसर, एक JCO और 21 जवान थे। और इस जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान बैरन आइलैंड के कठिन इलाकों के बावजूद यहां से 24 घंटे के अंदर 7 फॉरन पोचर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रविवार को देवलाली में स्थित इंडियन आर्मी के स्कूल ऑफ आर्टिलरी में एक्सरसाइज तोपची को आयोजित किया गया था, जो कि एक एनुअल फायर पावर डेमोंस्ट्रेशन और ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। लेकिन इस बार इस एक्सरसाइज तोपची की खास बात ये थी कि इसमें मुख्य रूप से स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर किए गए वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी को भी दर्शाती है। और इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनी इंडियन आर्मी की K9 वज्रटी, धनुष, M777 गन सिस्टम्स, तो ये वो सारे गन सिस्टम्स हैं जिन्हें भारत में ही असेंबल किया गया है। और इसके अलावा भारत के मेड इन इंडिया स्वाति रडार सिस्टम, कुछ रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स, तो ये भी इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत ने बे ऑफ बंगाल पर 8 से 10 फरवरी तक के लिए एक संभावित मिसाइल टेस्ट को लेकर एरिया वार्निंग जारी करी है। और ये जो एरिया वार्निंग है ये 230 किलोमीटर लंबे क्षेत्र तक है, और इस दौरान कोई शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल मिसाइल या फिर कोई एयर टू एयर मिसाइल को भी टेस्ट किया जा सकता है। और इसलिए एक संभावना यह भी है कि इस टेस्ट में अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट भी शामिल हो सकता है, लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि ये केवल एक अनुमान है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण एक नई सड़क का निर्माण कर रहा है, और रिपब्लिक डे से BRO ने इस नई सड़क पर जो कार्य है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ये जो सड़क है ये चुसूल से डैम चौक तक बनेगी, और BRO इस परियोजना को 2 साल के अंदर कम्प्लीट भी कर देगी। इस सड़क की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर होगी, और इसे सिंगल लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। और जैसे कि कहा गया कि ये नई सड़क सिंधु नदी के साथ साथ चलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि लेह में भारत चीन सीमा के बेहद करीब बनाई जा रही है। और इस सड़क को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल ट्रूप्स की इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, बल्कि ये डुंगती में तिब्बती शरणार्थी बस्ती, ITBP की हेना पोस्ट और फुकचे में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तक भी तेजी से पहुंचने के लिए एक्सेस देगी। और फिलहाल अभी तक ये वाला जो रास्ता था ये काफी धूल भरा और रेतीला था, और इस पर सड़क बनाने की जो मांग है वो कई सालों से उठ रही थी, लेकिन अब आखिरकार जाकर इस पर काम शुरू हो चुका है। और इस सड़क की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस सड़क का बनना एक तरह से चीन के लिए सिरदर्द है, और चीन नहीं चाहता है कि यहाँ पे सड़क बने। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये है कि कल जो मिराज 2000 और Sukhoi Su-30 MKI फाइटर्स क्रैश हुए थे तो मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में गिरे इन फाइटर्स के मलबे में से मिराज 2000 फाइटर का ब्लैक बॉक्स और सुखोई फाइटर के ब्लैक बॉक्स का कुछ हिस्सा भी रिकवर किया गया है। और जबकि सुखोई फाइटर के ब्लैक बॉक्स का जो बाकी का हिस्सा है वो भरतपुर में गिरे मलबे में हो सकता है, और बाकी के हिस्सों को भी ढूंढा जा रहा है। और बाकी जैसा कि इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, ब्लैक बॉक्स से भी काफी कुछ जानकारियां मिलेंगी। और फिलहाल अभी ऑफिशियली तो ये सामने नहीं आया है कि ये दुर्घटना किस वजह से हुई थी, पर जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में कई सोर्सेज के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये दुर्घटना संभावित रूप से इन दोनों एयरक्राफ्ट के हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से हुई है। और अगर ये दावे सही हैं तो आपको बता दें कि लगभग 18 वर्षों के बाद ये इस तरह की पहली घटना होगी जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हवा में एक दूसरे से टकराए। और कल की इस दुर्घटना में हमने अपने जिन ब्रेव पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी को खोया था, तो बता दें कि विंग कमांडर हनुमंत राव मिराज 2000 फाइटर जेट के एस पायलट थे, और वे ग्वालियर में स्थित इंडियन एयरफोर्स के टैक डी यानी कि टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में इंस्ट्रक्टर थे।
कल शनिवार को पुणे में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि अगर दुनिया के सबसे बिगेस्ट डिप्लोमेट्स की बात की जाए तो वो हैं हमारे श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी। और इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से श्री कृष्ण और श्री हनुमान जी अभी तक के सबसे ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट्स हैं। और इसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए उनका कहना था कि कभी कभी जैसा कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, तो चलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजिक पेशेंस दिखाते हैं। तो इसी स्ट्रेटजिक पेशेंस को एक्सप्लेन करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं भगवान कृष्ण का, तो उन्होंने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, लेकिन जब 100 गलतियां पूरी हो गई तो फिर उसके बाद उसका अंत भी किया। और ये एक अच्छे निर्णयकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक के महत्व को प्रदर्शित करता है। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वे आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी दुनिया की 10 बड़ी रणनीतिक अवधारणाओं के बारे में महाभारत से हर अवधारणा के एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आज की जो दुनिया है वो मल्टीपोलर है, तो आपको क्या लगता है कि उस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था? वो भी एक मल्टीपोलर भारत था जहाँ पे अलग अलग राज्य थे। इसी तरह से अगर कोई कहता है कि आज की दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, एक दूसरे पर निर्भर है, इस तरह की काफी सारी अड़चने हैं, तो महाभारत में भी यही था। अर्जुन की दुविधा क्या थी? यही विविधता थी कि वे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़े। और जबकि इसी दौरान अपने पड़ोसियों के बारे में बात करते हुए भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि कभी कभी निर्णायक कदमों की आवश्यकता वाली रास्ते सुरक्षा के लिए चुनौतियां होती हैं, और इसका एक स्पष्ट उदाहरण आतंकवाद है। हम सभी जानते हैं कि अन्य देशों की तुलना में भारत ने आतंकवाद के कारण कितना नुकसान उठाया है, क्योंकि अन्य देशों के पास हमारे जैसा पड़ोसी नहीं है। इसी तरह से हमारे पास कई पड़ोसी हैं, लेकिन उनमें से जो चीन है तो एक बहुत ही असामान्य सा पड़ोसी है, लेकिन जो चीन है वो एक ग्लोबल पावर और सुपर पावर बन सकता है। तो ऐसे में एक सुपर पावर देश के बगल में रहने की अपनी चुनौतियां रहती हैं। हालांकि चीन को मैनेज करने के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि कोई दुश्मन राष्ट्र जो कि न्यूक्लियर पावर है, तो ऐसे में उसका पड़ोसी होना एक एसेट है या लायबिलिटी है, तो इसके उत्तर में भारतीय विदेश मंत्री का यही कहना था कि रियलिटी में जो पांडव थे वो अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते थे, और वैसे ही हम अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकते। बाकी स्वाभाविक रूप से हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी समझ बनी रहे। और बाकी भारतीय विदेश मंत्री ने शिशुपाल वाला जो उदाहरण दिया, तो उसके माध्यम से उनके कहने का सीधा सा मतलब बस यही था कि जब भी पाकिस्तान हमारे खिलाफ कुछ गलत करता है तो हमसे यही कहा जाता था कि आप रणनीतिक धैर्य बनाए रखें और कुछ ना करें। बस डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती थी और पाकिस्तान बार बार फिर अपनी हरकतें करते रहता था। लेकिन रणनीतिक धैर्य का मतलब ये भी नहीं होता कि आप गलतियां हमेशा माफ करते रहो। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करने के बाद आखिरकार उसका अंत कर दिया था, तो उसे आप पाकिस्तान के मामले में भी ले सकते हैं। लेकिन इन सब में भारतीय विदेश मंत्री ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर हमें भारत का एक स्ट्रेटजिक कल्चर बनाना है, इंडियन स्ट्रेटजिक कल्चर, तो ये दूसरों के अनुभवों से, दूसरों की कथाओं से नहीं बनेगी, तो ये बनेंगे हमारे अपने इंडियन एपिक्स से। और बाकी इस दौरान जब भारतीय विदेश मंत्री से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल किया गया, तो भारतीय विदेश मंत्री का साफ कहना था कि मैं फिलहाल पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप में से किस किसने महाभारत पढ़ी है। भारतीय प्रधानमंत्री पर बीबीसी की कंट्रोवर्सी डॉक्यूमेंट्री पर रशिया ने कोई भी कमेंट करने से मना किया है। और जबकि रशिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का तो ये कहना था कि ये एक और सबूत है कि किस तरह से बीबीसी कई अलग अलग फ्रंट्स पर इन्फॉर्मेशन वॉर को छेड़ रहा है। और रशिया के मुताबिक जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, ये एक्चुअल में एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करने वाले ग्लोबल सेंटर ऑफ पावर्स के खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉर है। बाकी इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होता क्या है, तो हमें उम्मीद है कि इसके बारे में आप सभी को पता होगा। और अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का कोई ताजा सा उदाहरण देखना है, तो आप अडानी की शेयर प्राइस देख सकते हैं कि किस तरह से फॉरेन मीडिया की एक रिपोर्ट बड़े बड़े बिजनेसेस के शेयर भी डाउन कर सकती है। और वो भी तब है जब आप एक्चुअल में कह नहीं सकते हैं कि फॉरेन मीडिया की वो जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं है। और जैसे कि हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि भारत एक रियल वर्ल्ड पावर बनने की तरफ बहुत तेजी से अपने आप को विकसित कर रहा है, और जब जब भारत विकास की तरफ बढ़ा है तो उतनी ही भारत को चुनौतियां भी मिली हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि ये चुनौतियां भारत के विकास को प्रभावित ना कर पाएं। और बाकी एक अपडेट ये भी सामने आया कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, वे कल 30 जनवरी को रशिया में अपने काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग कंडक्ट करेंगे, और इस दौरान मुख्य रूप से ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को एक्सपेंड करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब बाकी अब हमसे ये मत पूछना कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पास रशिया पहुंचने के लिए पैसे कहां से आए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान कैप्टन सुशांत गोडबोले और नायब सूबेदार अजमेर सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर महेंद्रजीत सिंह दहिया भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2010 में नायक जगदीश सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, एरो इंडिया शो 2023 कहां पर आयोजित किया जाने वाला है? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।